और लगभग जीवन में 50 से 60% तक सुधार हुआ है, जो झंझटें थी, क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल। और गुरु जी 50 से 60 नहीं, वो प्रतिशत ज्यादा है। अच्छा। क्योंकि धीरे धीरे सारी सिचुएशन कंट्रोल हो रही है। तो पहले एक मन में भी ये था कि मन में ये लगता था कि सब कुछ असंभव है, कुछ नहीं हो पाएगा, तो धीरे धीरे असंभव संभव में कन्वर्ट हो रहा है, तो इससे बड़ी तो बात कोई नहीं होगी। जी जी, जो चीजें लगती थी कि ये कभी हो ही नहीं सकती, तो वो चीजें अभी पूर्ण हो रही है मेरी। जी, जय श्री महाकाल। आदेश। जय श्री महाकाल। तो ये हैं अनुज जी, ये भी आए थे अपग्रेडेशन के लिए, तीनों लोग आए थे, जो तीनों साधक थे जिन्होंने साथ में मिलकर साधना की थी। साथ में ही प्रथम बार तीनों विफल हुए थे, फिर तीनों ने साधना संपन्न की, फिर इसके बाद ये फरवरी में या अप्रैल में की थी आपने साधना? मार्च में की थी। जी मार्च में। हाँ मार्च में संपन्न की थी। हाँ जी, हाँ जी। तो मार्च में आपने साधना पूर्ण की, इसके बाद अब 2-3 महीने हो गए जी लगभग। तो इतने समय में आपने क्या क्या चीजें देखी, क्या नया रहा, कि क्या लाभ हुए, कि क्या समस्याएं आई या समस्याएं हटी, जो भी है इस पर चर्चा करते हैं। तो गुरु जी आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा रहने वाला, मैं हर एक घटना को बड़ा डिटेल वर्जन में बताएंगे। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो जो तंपिशाच बाबा है, जैसे ही हम यहाँ से साधना करके गए जी, तो मैंने ये पाया कि इनको ये सब पता है कि मेरे साधक को कब कहाँ पे कैसे किस चीज़ की ज़रूरत है जी। वो चीज़ें बैकग्राउंड में ऑटोमेशन में चलती है, अपने आप बैकग्राउंड में चलती रहती है जी। और उन चीज़ों की जिस चीज़ की मन में इच्छा होती है वो पूर्ति भी होती रहती है उस हिसाब से। बिल्कुल। तो गुरु जी हुआ क्या, जैसे ही मैं साधना करके गया, प्रयोग करना शुरू कर दिए जो भी हमारी ज़रूरतें थी उसके हिसाब से, तो मैं किन्हीं व्यक्ति से मिलने गया जी चंडीगढ़ के अंदर जी। मैं मिलने गया तो वहाँ पे उस एरिया में वो मेरे लिए सेफ नहीं था, वहाँ पे मेरे साथ मारपीट होने के पूरे चांसेस थे, क्योंकि मेरे ये एंटी पार्टी वाले वहाँ उसी जगह पे रह रहे थे। अच्छा। तो हुआ क्या, जैसे ही हम बैठे चाय पानी पिया वहाँ पे, तो पता लगा कि मेरे मन में ना बेचैनी होने लगी खुद। अच्छा। से एकदम से मेरे को लगा कि ये पता नहीं हुआ क्या तेरे साथ, और तू निकल ले यहाँ से, मन में ऐसे विचार आने लगे। तो मैंने तुरंत अगले आदमी को बोला कि भाई अब निकलना चाहिए यहाँ से। तो जैसे ही उस दुकान से नीचे निकले तो मेरे को पता लग रहा है कि मेरी एंटी पार्टी वाले मेरी गाड़ी के बगल में गाड़ी लगा के उतर रहे थे गाड़ी से नीचे। अच्छा। और वो सीधा उसी दुकान के अंदर चले गए जहाँ हम चाय पानी पी रहे थे। अच्छा। तो यदि वो वहां पे आ जाते तो वहाँ लड़ाई होने के पूरे निश्चित था जी। निश्चित। तो सबसे पहले मैंने ये देखा कि आज तंपिशाच बाबा ने ये चीज को प्रिवेंट कर दिया लड़ाई को। फिर उसके बाद एक गुरु जी फील ऑफ कॉन्फिडेंस आता है। बिल्कुल। अब अकेला आदमी आधी रात को जहां मर्जी चला जाए, कभी यह नहीं लगता कि तू अकेला है, लगता कि तेरे साथ जो है कोई दिक्कत नहीं होने वाली कभी भी जी। तो पहले ऐसा नहीं था, पहले मैं प्रिवेंट करता था रात को कहीं निकलना, 8-9 बजे के बाद मैं घर से अक्सर बाहर नहीं निकलता था। अब मेरे को रात को कहीं गाड़ी चला के जाना पड़े तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती जी। और बड़ा मतलब आनंद आ रहा है जीवन में। हाँ, ये विश्वास होता है कि ये बैठे हैं, ये साथ हैं, हर समस्या से ये हमें निकाल लेंगे। तीसरा गुरु जी ये हुआ कि मुझे व्यापार में भी कोई बहुत ज्यादा, मैं बहुत घाटे में ही चल रहा था जी, मुझे बेनिफिट नहीं कुछ हो रहा था, काफी पैसा लोगों में फंसा हुआ था। तो भी जैसे ही हमने प्रयोग करना शुरू किया तो धीरे धीरे जो पैसा फंसा हुआ था वो आ रहा है, रिकवर हो चुका है ऑलमोस्ट 80% जी। और साथ में व्यापार की भी स्थिति सुधर रही है पहले से। और फिर इसके बाद गुरु जी वो घटना का जिक्र करें उसका, कौन सा कर सकते हो जो हाँ करना है वो। मैं एक ऐसे क्षेत्र में रहता हूँ जहाँ पे एनर्जीज बहुत ज्यादा है जी। वो मेरे को अक्सर खुली आंखों से भी दिख जाती है। हाँ, वो दिखती है, वो वीडियो में भी काफी कैप्चर किया, वो सारे रिकॉर्डिंग्स आपके पास है भी है, वो है, वो मैं इसमें बीच में लगाऊंगा। हाँ जी। तो वो सब चीजें होने के बावजूद भी मुझे कोई डर नहीं लगता, मैं बिल्कुल निश्चिंत होकर रहता हूँ और आराम से सोता हूँ। बिल्कुल। आपका जो जहाँ आप रहते हैं वो एक तरीके से हॉन्टेड हाउस है। बिल्कुल। भयंकर है कि जिसमें जो है आप वीडियो में भी एनर्जी देख सकते हैं, और अगर आप अलार्म बजा देते हैं वहाँ पे, वो कैसे क्या करते हैं वो बताइए। बहुत भयंकर स्थिति है वहाँ पे। क्या है, गोला गोले आकार की व्हाइट कलर की एनर्जी दिखती है, जो कि सुबह से लेकर रात तक मैंने देखा, वो पूरा दिन ऐसे ही घूमती रहती है उस दुकान के अंदर, उस मकान के अंदर। तो गुरु जी अब काफी पहले मेरे को पता नहीं था इस सिचुएशन का कि ऐसा है। बिल्कुल। मैंने वहाँ पे मोशन डिटेक्शन वाला कैमरा लगाया तो मुझे उससे पता लगा जी कि ऐसा चल रहा है, दुकान के अंदर हलचल है रात के टाइम, सुबह के टाइम, वो हर टाइम चलती रहती है। बिल्कुल। तो उस चीज से भी मेरे को मतलब कोई इफेक्ट नहीं हुआ और मैं बिल्कुल सेफ हूँ और वहीं पे रहता हूँ, वहीं पे अपना काम कर रहा हूँ, आज तक कभी कोई दिक्कत नहीं हुई जी। फिर उसके बाद गुरु जी काफी सिचुएशन ऐसी हुई, मेरे को मिलने जाना था, बड़े अधिकारी से मिलने जाना था अपने राज्य के। हाँ, गए थे। हाँ जी। तो किसी विषय में मैं उनसे मिलने गया था तो मैं घर से लेट हो गया था, मैंने प्रार्थना की कि वो अधिकारी मुझे वहीं पे बैठे मिले जी और मेरे को बुला ले जी। तो अधिकारी को जैसे ही मैं वहां पे पहुंचा तो उनके जो नीचे वाले वो कर्मचारी थे उन्होंने बोला कि साहब का जो है लंच का टाइम होने वाला है, तो साहब जो है आज तो नहीं मिलेंगे, आप फिर कभी आइएगा जी।
तो मैंने उनको बोला कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरा नाम लिख के अंदर दे दीजिए पर्ची पे, अगर वो बुलाएंगे ठीक है, नहीं बुलाएंगे तो मैं चला जाऊंगा। ठीक है। तो उस दिन क्या हुआ कि बिल्कुल वो आने के उसमें खड़े थे लेकिन वो लंच में ही नहीं गए। अच्छा। उन्होंने अपना 10-20 मिनट बाद जो था मेरा नाम बोला और मेरे को अंदर बुलाया, मेरी सारी समस्या सुनी और उस समस्या का हल भी उन्होंने किया। जी बिल्कुल। तो ऐसी सब स्थिति हुई है जीवन में, मेरे जीवन में बहुत सुधार हुआ है इनके आने के बाद, मैं बहुत खुश हूँ। और अभी अपग्रेडेशन प्रक्रिया के लिए आए हुए थे, वो भी हमारी बिल्कुल सफल हुई है। जी हाँ, थोड़ी बहुत परीक्षाएं होती हैं, थोड़ी बहुत झंझटें आई लेकिन लास्ट में पूर्ण हो गई वो प्रक्रिया। हाँ जी। तो क्या 10-12 मिनट के वीडियो में सारी चीजें बताना संभव है? नहीं, अब जीवन की हर घटना तो नहीं बता पाएंगे। क्या लाभ हो रहे हैं, कितनी सहूलियतें आई हैं जीवन में, कितनी सहजता आई है, जो झंझटें हैं वो कितनी दूर हुई हैं, 10-12 मिनट में बताना संभव नहीं है। नहीं, इसके अलावा बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो कि हम बहुत पर्सनल होती है और कैमरा पर नहीं बता पाते, नहीं कह पाते। तो यह चीजें, लेकिन मूल यह है कि पूरी बातों का एक रस है जी, कि हमें लाभ हुआ है, लाभ हुआ है और लगभग जीवन में 50-60% तक सुधार हुआ है जो झंझटें थी। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल। और गुरु जी 50-60 नहीं, वो प्रतिशत ज्यादा है। अच्छा। क्योंकि धीरे धीरे सारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो रही है। जो पहले एक मन में भी ये था कि मन में ये लगता था कि सब कुछ असंभव है, कुछ नहीं हो पाएगा, तो धीरे धीरे असंभव संभव में कन्वर्ट हो रहा है। तो इससे बड़ी तो बात कोई नहीं होगी। जी जी। जो चीजें लगती थी कि ये कभी हो ही नहीं सकती, तो वो चीजें अभी पूर्ण हो रही है मेरी। जी। इसको कोई समझे ना समझे, लेकिन मैं अच्छे से समझ गया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मिठाई का रस वही ले सकता है जो मिठाई खा रहा होता बिल्कुल, है। बिल्कुल। सीधा सिद्धांत है। तो काफी चर्चा हो गई है अनुज जी। हाँ जी। तो बस अब इस वीडियो को विराम देते हैं। आदेश, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।